हाँ वरुण, हमने प्रीता को उठा लिया है और अब हम उसे रावण के पुतले में डालने जा रहे हैं। अब राम जी का तीर सीधा रावण पे लगेगा और राम जी को तो पता भी नहीं चलेगा। रावण के साथ साथ आज प्रीता का भी दहन हो जाएगा। डेफिनेटली वो नहीं पड़ेगा। आज के बाद मुझे उस प्रीता का चेहरा कभी नहीं देखना। This is my family, मेरा परिवार, और मेरा परिवार कोई मुझसे छीन ले, ये मैं होने नहीं दूंगी। प्रीता जी को यहाँ से गए काफी वक्त हो गया है, वापस नहीं आई अभी तक। काव्या भी नहीं है, प्रीता जी भी नहीं है, ये दोनों कहाँ चली गई? जाके मैं ही लेके आती हूँ। राखी जी, पहले घर के अंदर पूजा करेंगे या पहले बाहर रामलीला और इसके बाद आरती? पंडित जी पहले रामलीला देखेंगे, उसके बाद में दशहरे की पूजा करेंगे। जी जजमान। ओके, थैंक यू। मैंने आपसे कहा था ना, दशहरे की पूजा इस साल मैं प्रीता के साथ में करूँगा और आप मेरी हेल्प करेंगे। बेटा मुझे सब कुछ याद है, दशहरे की पूजा तू और प्रीता एक साथ बैठ के करेंगे। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच, आई लव यू। मैं तुम दोनों को मिला के रहूंगी। लेकिन मॉम वो है कहाँ? वो अपनी सीट पे नहीं है, जहाँ पर बैठी थी वहाँ पर है ही नहीं। वो कौन? वो मतलब राजवीर की मासी।